अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आज हम आपको मैक्सिकन सैलड, टाको सैलड आसान तरीके से बनाना सिखा रहे हैं। जी तो सब्सक्राइब करें कुक विद नूरे को और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए आने वाली लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही आसान और झटपट बनने वाली रेसिपी है। एक बड़ा बाउल ले लीजिए, सर्विंग बाउल। इसमें सबसे पहले आपने बॉयल किए हुए आलू डालने हैं 2 कप जितने, क्यूब्स में कटे हुए। इसके बाद रेड किडनी बीन्स बॉयल 1 कप डालेंगे, फिर सोयाबीन 1 कप बॉयल डालेंगे। इसके बाद आपने टमाटर, 1 टमाटर, येलो शिमला मिर्च, और इसके बाद आपने ग्रीन शिमला मिर्च और 1 प्याज जो चॉप किया हुआ डालेंगे। इसके बाद नमक, मिर्च, सूखा धनिया, चाट मसाला और ज़ीरा मिक्स किया हुआ और काला नमक मिक्स कर देना है इसके अंदर, और फटाफट से इसको मिक्स कर लेना है। देखें कितनी जल्दी तैयार हो गया। अब आपने होममेड टैकोस बने हुए जो हैं वो समोसा पट्टी के, ये मैंने ऑलरेडी बनाना सिखाए थे लेकिन इनका लिंक मैं फिर भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इनके ऊपर आपने इसकी फिलिंग कर देनी है। झटपट देखा कितने अच्छे बन गए, कि आप पार्टी स्नैक्स, इवनिंग स्नैक्स में या लंच बॉक्सेस वगैरह में दे सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, इवन आप रमज़ान में भी यूज़ कर सकते हैं। कितना कलरफुल और ख़ूबसूरत लग रहे हैं आपको ये। अब इसके ऊपर ड्रेसिंग डालेंगे हम। सीजनिंग जो है वो आप स्पाइसी मज़ीद करना चाहें तो आप इस पर रेड चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं, और मज़ीद और भी स्पाइसी ऐड कर सकते हैं। अब इसके ऊपर थोड़ी सी चिली सॉस, थोड़ी सी बलसमिक सॉस जो होती है, इटालियन सॉस होती है, या अगर वो भी आपके पास नहीं है तो आप इमली की चटनी या टबेस्को सॉस भी इस पर डाल सकते हैं, या केचप भी डाल सकते हैं अगर कुछ भी नहीं है तो। बहुत ज़बरदस्त बनती है, चलिए इंजॉय कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली, झटपट बनने वाली रेसिपी है। बनाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।